हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं मेथी की भाजी बनाने जा रही हूँ, मेथी आलू। तो मेथी मैंने काट लिया, देखिए कैसे बना रही हूँ। मेथी काट लिया है ये इस तरह से बारीक, आलू भी काट लिए हैं। आलू ये थोड़े छोटे छोटे और मोटे मोटे हैं, ये देखिए। थोड़े हमारे पास मूंग के दाल मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था, और लाल मिर्च है, 2 मिर्च है, 4 टुकड़े कर दिए हैं, थोड़ी सी 2 जवा लहसुन बारीक काटा है, और जरा सा अदरक है। पैन गरम हमारा, पैन कढ़ाई जो चीज लेना लेना, इसमें ये मिर्च अदरक और लहसुन ये डाल दिया मैंने, बस हल्का सा इसको सॉटे करना, ज्यादा नहीं। इसमें आप ये मेथी डाल दीजिए, गैस कम कर दिया मैंने। इसमें आलू डाल दें साथ, मेथी के साथ ही आलू डाल दीजिए। आलू जितना डालना आपको, ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से डालिए, मैंने ज़्यादा लिया आलू। इसमें दाल जो मैंने भिगो कर रखा था वो भी डाल दिया। आप सिर्फ आलू मेथी भी बना सकते हैं। नमक इसमें टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, जितनी ज़रूरत है, पहले कम ही रखिए। और इसमें अभी मसाला वगैरह कुछ नहीं डल रहा है, इसको मिक्स करके और गैस को नॉर्मल करके रख दीजिए, नॉर्मल से थोड़ा कम ही रखिए। आलू गले गए हैं, छुपा के रख दीजिए इसको। गैस सिम रखिए, ये देखिए अभी ये ढक के पक रहा है, कम करके गैस, और कम पे ही इसको पकाना है, लास्ट में तेज़ करके इसको भून लेंगे। देखिए आलू, आलू अभी गला नहीं है अच्छे से। आलू एक बार आप चेक कर लीजिए, आप लोग बना रहे हैं तो, ये अभी अच्छे से नहीं गला है, ज़रा सा रह गया गलने के लिए। और दाल जो है ना, ये दाल भी है, दाल ज़रा सा, बिल्कुल 5 मिनट और ये हो जाएगा बिल्कुल। इसको अभी छुपा के रख देंगे, काफ़ी टेस्टी लगता है ये, आप लोग बना के खाइए, अच्छा है, कड़वा बिल्कुल नहीं लगता। अगर आपको तीखा खाना है कड़वा, इसमें थोड़ा सा मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो इसमें एक टमाटर भी काट के डाल सकते थे, मैंने टमाटर नहीं डाला है, मैं बस 2 चुटकी आमचूर डाल दूंगी इसमें। ये ऑप्शनल है, आपको डालना हो डालें, ना डालना हो ना डालें। 1 चुटकी काली मिर्च, और मिर्च अगर आपको खाना है इसमें, मिर्च तो मैंने वैसे डाला था, तो इसमें चिली फ्लेक्स जरा सा, क्योंकि ये वाली गोल वाली मेथी कड़वी होती है, और ये थोड़ी लंबी जो होती है ना डंडी में, वो कड़वी नहीं होती बिल्कुल। तो ज़रा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, चुटकी भर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। ये सब आपकी मर्जी के ऊपर है, डालना हो डालिए, नहीं डालना हो नहीं डालिए, बेर इसके भी खाया जा सकता है। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है, ये देखिए दाल भी बिल्कुल, दाल भी देखिए गल गया है, और आलू भी अच्छे तरह से, ये देखिए आलू भी गल गया, ये देखिए ये तैयार हो गया है। आप लोग इस तरीके से एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है।
मूंग दाल, मेथी, आलू की भाजी बिल्कुल रेडी है। मूंग दाल आप लोग भिगोएं ज़रूर, कम से कम 15 मिनट भिगो दीजिए फिर डालिए। इसकी जगह आप उड़द दाल भी डाल सकते हैं, उड़द की दाल जो आती है ना उसको भी भिगो के उसको थोड़ी ज़्यादा देर भिगोना पड़ेगा। और बगैर दाल के भी बना सकते हैं मेथी भाजी, तो जिस तरह से आपको पसंद हो बना के खाइए, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। दाल डल गया ना इसमें तो काफ़ी टेस्टी है ये, और जाड़े के दिन में ही मेथी होता है तो शुगर वाले के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो जितना हो सके मेथी आप इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता। मैंने चिली फ्लेक्स वगैरह डाला, आप ना डालें और बनाएं खाएं। और अच्छा लगता है आपको, टेस्ट आता है ये हमारे स्टाइल से बनाने में, बना के खाने में। तो आप खा के एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।